अमेरिका के अंदर एक दफा एक घंटे के लिए लाइट का फॉल्ट हुआ था, तो चंद जगहों पर लाखों डॉलर की चोरियां हो गई थी क्योंकि कैमरे बंद हो गए। लोगों ने समझा अब देखने वाला कोई नहीं, चोरी हो गई। इस्लाम बड़ा हसीन मजहब है। इस्लाम कहता है कि कैमरे की आंख भी बंद हो सकती है, इंसान भी सो सकते हैं, तो उस रब से डर जा जिसे ना नींद आती है ना ऊंग आती है। एक पक्का कैमरा तेरे ऊपर फिट है तो उसका ख्याल कर। जब लोग लोगों से डर के नेकी करते हैं तो वो जुज्वी तौर पर नेक होते हैं, वक्ती तौर पर। इतनी देर लोग मौजूद रहेंगे नेक रहेंगे, और जब लोगों से ओझल हो जाएंगे फिर हालात खराब हो जाएंगे। इसलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था कि नेक कौन होता है। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? ये मेरे ख्याल है वीडियो वाला वीडियो दे ही देगा, आप थक ना जाएं, एक हाथ खड़ा रख रख के ये आपको दे देगा इंशाल्लाह ताला। मेरा ख्याल है कि खैर वाला मामला है, मिल जाएगी आपको, अल्लाह आपको जजाए खैर। आप थक जाएंगे, और जरूरी तो नहीं ना हर आदमी को कैमरे की आंख से देखना, कभी कभी डायरेक्ट भी देख लेना चाहिए। अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। फिर वो मैसेज आते रहते हैं तो फिर बंदा वो भी पढ़ने लग जाता है तो उलझ जाता है, इसलिए थोड़ी देर तवज्जो रखें। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए। ये लाइटें कम से कम बंद कर दें, आंखों में पड़ती। मेरे भाई आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि नेक कौन होता है, नेक कौन होता है जो माइक के आगे आके बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे, पगड़ी बड़ी साफ बांधे, जो लोगों पे ये रोब डालने में कामयाब हो जाए कि मैं तुम में से अच्छा हूं, नेक कौन होता है? तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, ये याद रखना है आपने। आला हजरत फरमाने लगे, नेक वो होता है जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी होती है, तन्हाई जिसकी पाक साफ। लोगों के सामने तो सारे नेक होते हैं, किसी की शादी में इसलिए जाते हैं कि बरादरी नाराज हो जाएगी कि खुद हम इसके यहां गए थे तो ये आया क्यों नहीं। हम तो भाई ताजियत करते हैं लोगों से डर के। याद रखो ये जमाना भगा के थका देगा, ये राजी नहीं होगा। अब भागते रहे लोग दीवारों तक, कब्रों की दीवारों तक चले गए, पर ये दुनिया की मोहब्बत इस तरह की है जिस तरह भेड़ों की मोहब्बत होती है। इस तरफ वाली भेड़ों को घेर के लाओ तो इधर वाली निकल जाती हैं, इधर वाली को घेर के लाओ तो इधर वाली। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है। आप फरमाया करते थे ये निकल जाएंगे, कब तक बंदों को राजी करोगे, कब तक राजी करोगे? इधर वाले रिश्तेदारों को नाराज करोगे, राजी करोगे तो इधर वाले नाराज हो जाएंगे, इधर वाले दोस्तों को राजी करोगे तो पीछे वाले बिगड़ जाएंगे। तो हुजूर फिर क्या करें? आप फरमाने लगे, एक रब को राजी करो। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात सयजअलुलहुमुर रहमान वुद्दा। फरमाया अगर रब रहमान तुमसे राजी हो गया तो लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे, फिर लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत। अल्लाह का खौफ पैदा करें, डरा करें अल्लाह ताला से। ये जहन बनाएं कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। नेक कौन होता है, परहेजगार कौन होता है? नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं, नेक नहीं कहते। हज करने वाले को शरीयत ने उसे हाजी कहा है, परहेजगार नहीं कहा। जकात देने वाला, सदका देने वाला सखी है, परहेजगार। परहेजगार किसको कहते हैं? मुत्तकी किसको कहते हैं? जो गुनाह से बचता है, जो अल्लाह से डरता है, जो मोहताज जिंदगी गुजारता है, जो बेतुके जुमले नहीं बोलता, जो बेतुकी सोचे नहीं सोचता, जो फजूल सवालात नहीं करता, जो मुबहम जिंदगी नहीं गुजारता, जो अपने वक्त को जाया नहीं करता, जो कभी भी उस रस्ते पे नहीं पड़ता जिस रस्ते पे उसे कोई काम ना हो, जो बढ़ बढ़ के आगे अपना आप दिखाता नहीं, जो हर रोज भाग भाग के इस तरफ नहीं होता कि कोई मुझे भी जानने लग जाए, कोई मुझे भी समझने लग जाए, वो मुत्तकी नहीं। मुत्तकी तो वो है जो गुनाह से बचे, अल्लाह से डरे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा से निकला एक सफर के लिए, मैंने कुछ खजूरें, कुछ सिरका, कुछ खुश्क चीजें साथ रख ली क्योंकि सफर लंबा था। फरमाते हैं कि मैं अभी कुछ फासला मैंने मदीने का तय किया तो एक सहरा आया, दोपहर का वक्त हो गया तो मैं खाना खाने लगा। रमजान का महीना नहीं था, मुहर्रम सफर के अय्याम चल रहे थे।
मेरी बातें समझ तो आ रही है ना आप हजरात को, सबको आ रही है, अल्लाह आपको जजा अता फरमाए। कहते मैं दोपहर के खाने के लिए वहां रुका, मैंने वो खजूरें निकाली, सिरका निकाला, खाने लगा तो एक चरवाहा बकरियां चराता चराता आ गया। वो नौजवान था, उसके चेहरे पर मैंने बड़ी रोशनी देखी, गरीब आदमी था, बकरियां चराता था। हम लोग भी जब खाना खाने बैठते हैं तो कोई आ जाता है तो उसको दावत देते हैं, भाई आ जा तू भी खाना खाने। कहते मैंने उसे कहा कि मियां आ जाओ रोटी खा लो, कहने लगा नहीं अल्लाह आपको जजा दे। मेरा दिल चाहता था कि कोई मेरे साथ खा ले, अल्लाह के बंदों की ख्वाहिश होती है ना कोई मेहमान मिल जाए। फरमाते मैंने दोबारा कहा भाई आ जाओ खा लो, कहने लगा नहीं हुजूर अल्लाह आपको जजा दे। मैंने दोबारा इस तीसरी दफा इसरार किया, मियां थोड़ी सी खा ले, कहने लगा हुजूर इसरार ना करें, मैंने रोजा रखा हुआ है। आज मजदूर जो है ना उन सब ने रट्टा लगा के ये सबक याद किया है कि मैं चूंकि मेहनत करता हूं तो मैं ना भी रखूं तो खैर है, रमजान के रोजे भी मजदूर छोड़ देते हैं। अल्लाह किसी शख्स पर वो बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके। रब बंदों से प्यार करते, उसे पता था इन्होंने मजदूरियां करनी है। मजदूर रोजा रख के देखे, वो देखे उसे कुछ भी नहीं होगा। हुजूर ने तो कहा सौमु तसहु, तुम रोजा रखो अल्लाह तुम्हारी सेहत में इजाफा कर देगा, ये तो तंदुरुस्ती वाला काम है। कहने लगा हुजूर रोजा रखा हुआ है, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने कहते मेरे दिल में ख्याल आया पता करूं कि सिर्फ रोजेदार है कि नेक भी है, सिर्फ रोजेदार है कि नेक भी है, सिर्फ नमाजी है कि नेक भी है, सिर्फ हाजी है कि अल्लाह से भी डरता है, अरे देखूं तो सही आजमाऊं। आप फरमाते मैं उठ के करीब गया, खाना मैंने खा लिया तो बकरियां थी उसके पास, 300-400 बकरी चरा रहा था, तो एक बकरी की पुश्त पर मैंने हाथ फेरा, मैंने कहा बेचोगे, बेचोगे बकरी? कहने लगा हुजूर मैं चरवाहा हूं, दिहाड़ी पे काम करता हूं, मजदूरी लेता हूं, इनका मालिक तो कोई और है। तो आप फरमाते मैं तो पहले देखना चाहता था कि नेक भी है कि नहीं, तो मैंने उसे कहा कि बकरियों के मालिक से कह देना एक बकरी भेड़िया ले गया है, कह देना मालिक से। तो आप फरमाते जब मैंने उसे देखा ना तो गरीब था, फटे हुए कपड़े थे। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। आप फरमाते हैं कि मैंने ना, मैंने कहा कि कहना कि भेड़िया ले गया था। फरमाते हैं कि उसका मैंने चेहरा देखा तो दाढ़ी पर रेत पड़ी हुई थी, सर पे रेत थी, कपड़े पुराने थे, मकान भी कच्चा होगा लेकिन उसके नजरियात इतने पुख्ता, बातों में इतना असर। फरमाते उसने गौर से मेरा चेहरा देखा और फिर उसने बकरियों को छड़ी मारी और बकरियां चलने लगी। वो मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो कहने लगा हुजूर मैं बकरियों के मालिक को तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, और जब कायनात का मालिक पूछेगा तो फिर क्या जवाब दूंगा, जब आर्श का मालिक पूछेगा तो फिर क्या जवाब दूंगा, अल्लाह भी तो पूछेगा ना, तो अल्लाह को क्या बताऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह, एक तकरीर होती है, मैं लच्छेदार खिताब करूंगा, मैं बड़ा जबरदस्त असर डालूंगा, आप ओ भाई ज्यादा इनकलाब तो अमल से आता है, ज्यादा इनकलाब तो अमल से आता है, ज्यादा तो दो मिनट में लोग इनकलाब। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं उसने कोई तकरीर नहीं करी, तकरीर भी असर करती है, इसका भी फायदा होता है, ये भी दिल साफ कर जाती है, इसमें शक नहीं, लेकिन जो अमल के साथ तासीर होती है उसका तो हुसन ही निराला है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो कहते वो एक जुमला उसने कहा कि अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, तो आप फरमाते मैं कांपने लगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, और ये वो शख्स है जिनको नबी पाक ने कहा राजुल सालिहुन, अब्दुल्लाह बिन उमर नेक आदमी है, हुजूर ने कहा नेक आदमी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए, मैं सफर पर नहीं गया बल्कि मैं वहीं से वापस हो लिया, और मैं सीधा उस शख्स के, मैंने मालिक का पता किया किसकी बकरियां चराता है। फरमाते मैंने मालूमात करके पहले वो गुलाम खरीदा, फिर वो 400 के लगभग बकरियां खरीदी, फिर मैंने उसे बुला के वो बकरियां तोहफे में दी, तो मुझे कहने लगा ये क्या है, तो मैंने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह सूरह तलाक में फरमाता है कि तुम मुझसे डर जाओ, मैं हर मुश्किल से निकलने का तुम्हें रास्ता दे दूंगा, वह यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और तुम्हें वहां से रोजी दूंगा जहां से तुम्हारा कभी गुमान भी नहीं गया होगा। फरमाया तू चूंकि अल्लाह से डरता था तो ये रब करीम ने तुझे रोजी अता फरमाई है, ये बकरियां अब तेरी हैं। भाई खुदारा
अल्लाह से डरना सीखे, रब करीम का खौफ पैदा करें। आप यकीन करें, मैं पुलिस की बात नहीं करता, एमएनए की एमपीए की बात नहीं करता, लेकिन गरीब भी जब अपनी बहू को ताना देने पे आता है तो हौसला नहीं करता, एक आध बात पे सब्र नहीं करता। गरीब के हाथ में भी जब डंडा आता है और किसी गरीब से जब वो झगड़ा करता है तो वो भी फाड़ देता है सर और तोड़ देता है हड्डियां। हम बड़े सख्त होते। जरा थोड़ी देर साइलेंट कर दे मोबाइल, अल्लाह आपको ज्यादा आता फरमाए। सुने मेरे अजीज, खौफ खुदा पैदा करें, लफ्जों पे पाबंदी लगाना सीखें, ऐसे जुमले जुबान से अदा ना करें जो सामने वाले को सारी रात सोने ही ना दें।